राजवीर शेर पिछले 15 वर्षों से एक अनाथ शेर की देखभाल कर रहा था। वह अनाथ शेर जिसका नाम भोला था, अपने माता पिता से बचपन में ही बिछड़ गया था। तब से अब तक राजवीर ने भोला को अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया, तो दूसरी तरफ भोला ने भी राजवीर शेर को अपने पिता की तरह समझा और उसका हमेशा सम्मान किया और हमेशा उसके दिखाए रास्ते पर चला। अनाथ भोला शेर बहुत बहादुर, समझदार और बुद्धिमान था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर शेर का इकलौता बेटा बगीरा हमेशा अपनी मनमानी करता था। बगीरा वैसे तो बहुत ताकतवर और बहादुर था, लेकिन वह कान का बहुत कच्चा था। बगीरा हमेशा अपनी धुन में रहता था और हर काम अपने मन के मुताबिक करता था और अपने पिता राजवीर की कोई बात नहीं सुनता था, जिस वजह से राजवीर अपने बेटे बगीरा को लेकर बड़ा परेशान रहता था। हे भगवान, ना जाने ये बगीरा कब सुधरेगा। ये हमेशा अपनी मनमानी करता है और मेरी एक भी नहीं सुनता। मैं इसे इस जंगल का अगला राजा देखना चाहता हूँ, लेकिन इसका बर्ताव और गुण इस जंगल का राजा बनने के लिए अभी बहुत कम है। एक ये है और एक तरफ मेरा बेटा भोला है, जिसने अनाथ होने के बाद भी वह हमेशा मेरे नक्शे कदम पर चला और मेरी हर सिखाई बात उसे याद है। वह बहुत बुद्धिमान और बहादुर भी है। ना जाने वह दिन कब आएगा जब ये बगीरा अपने भाई भोला की तरह बुद्धिमान बनेगा। तभी बगीरा जंगल से अपने पिता के पास आता है। उस समय भोला भी वहीं पर था। राजवीर बगीरा को उसके बर्ताव और मनमानी करने पर बहुत डांटता है और धमकाता है। भोला के सामने अपने पिता की डांट सुनकर बगीरा बहुत गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आपने हमेशा मुझे बेकार ही समझा है। आप हमेशा मुझे इस भोला के सामने डांटते रहते हो। आखिर मेरी भी इस जंगल में कोई इज्जत है, और जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर बगीरा गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं राजवीर शेर अपने बेटे बगीरा को लेकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वहीं ये सारी बातें दूर खड़ा एक लालची कांचा बाघ सुन लेता है। कांचा बाघ भी इसी जंगल में रहता था। अरे वाह, इन दोनों बाप बेटों को झगड़ते देखकर आज मेरी आत्मा बहुत खुश है। यह बहुत अच्छा मौका है इस बगीरा को इसके पिता के खिलाफ भड़काने का। तब कांचा बाघ बगीरा के पास आता है। अरे बगीरा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कांचा की बात सुनकर बगीरा चुप रहता है। अच्छा चलो, तुम मत बताओ, लेकिन बगीरा मैं सब जानता हूँ। देखो बगीरा, अब तुम बच्चे नहीं हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर तुम हमेशा अपने पिता के ही सुनते रहोगे तो कभी भी इस जंगल के राजा नहीं बन पाओगे। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जब तुम वहाँ से चले गए थे तब तुम्हारे पिता तुम्हारे रास्ते के सबसे बड़े दुश्मन उस अनाथ भोला शेर को जंगल का राजा बनाने की बात कर रहे थे। बगीरा, तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल का राजा बनने योग्य मानते ही नहीं है। कांचा की यह बात सुनकर बगीरा को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ कांचा, मेरे पिताजी हर समय उस भोला की ही तारीफ करते हैं और मुझे हमेशा उसके सामने डांटते रहते हैं। मैं उनका सगा बेटा हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा उस भोला से प्यार करते हैं। हाँ बगीरा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम्हारे पिता ने भोला को जंगल का राजा बना दिया तो तुम्हें हमेशा उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, और अगर तुम इस जंगल के राजा बन गए तो सब कुछ तुम्हारा होगा और इस जंगल पर तुम्हारा हुक्म चलेगा। बगीरा थोड़ा सोचो। कांचा बगीरा को उसके पिता के बारे में कड़वी बातें बताकर उसके मन में अपने पिता के खिलाफ जहर भर देता है। कान का कच्चा बगीरा कांचा की सारी बातों पर विश्वास कर लेता है। कांचा, मुझे सब पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम मुझे कोई रास्ता बताओ। हाँ बगीरा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैं जैसे जैसे कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। तब कांचा बगीरा को अपना प्लान समझाता है। बगीरा वापस अपने पिता राजवीर के पास लौटता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा और हमेशा आपके दिखाए रास्ते पर चलूंगा। बगीरा का ये बदलाव देखकर राजवीर शेर बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक दिन बगीरा अपने भाई भोला को लेकर जंगल में घूमने निकलता है। थोड़ी दूर आकर बगीरा रुक जाता है। अरे क्या हुआ बगीरा, तुम यहाँ क्यों रुक गए? अरे भोला, तेरा सिर्फ नाम ही भोला है, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे जीवित रहते मैं इस जंगल का राजा कभी नहीं बन पाऊंगा। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तब ऐसा कहकर बगीरा भोला पर हमला कर देता है और भोला को वहीं जान से मार डालता है और उसे मारकर उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा देता है। लेकिन वहीं बगीरा को ऐसा करते हुए एक बकरी देख लेती है। बकरी यह देखकर बहुत सहम जाती है। तब बगीरा अपने एक सिपाही को लेकर अपने पिता राजवीर के पास आता है और अपने पिता से भोला के बारे में झूठी कहानी कहता है।
पिताजी, आपका वो अनाथ बेटा भोला तो बड़ा ही चालाक निकला। उसने आज जंगल में मुझ पर धोखे से हमला किया और हमला करके वहाँ से भाग गया। मुझे अभी अभी उसके बारे में पता चला है कि उसने यह सब इस जंगल का राजा बनने के लिए किया है, ताकि वो मुझे मारकर इस जंगल का राजा बन सके। बघीरा की बात सुनकर राजवीर शेर हैरान हो जाता है। अरे नहीं बघीरा, ये तुम क्या कह रहे हो? भोला ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह तो बहुत समझदार और बहादुर शेर है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे शरीर पर ये खून के दाग उस भोला ने ही दिए हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे सिपाही से ही पूछ लो। हाँ हाँ महाराज, बघीरा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब भोला ने ही किया है। पिताजी, भोला एक गद्दार है, आपने अपने पास एक सांप पाल रखा था। पिताजी, वो एक अनाथ था, और वैसे भी पिताजी सौतेला बेटा सौतेला ही होता है। ऐसा कहकर बघीरा राजवीर को भोला के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है। अब राजवीर शेर भोला के बारे में सोचकर परेशान होने लगता है। तभी एक दिन वह बकरी राजवीर शेर के पास आती है और राजवीर शेर को कुछ बताती है। बकरी राजवीर शेर को लेकर उस जगह पर जाती है जहां बघीरा ने भोला को मारकर छिपा दिया था। बकरी राजवीर को भोला के बारे में सारी बात बताती है। अपने बेटे भोला की लाश देखकर राजवीर शेर को बहुत दुख होता है और उसे अपने बेटे बघीरा पर बहुत गुस्सा आता है। बघीरा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजवीर शेर ये सब कह ही रहा था कि तभी कांचा बाघ अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वहां आता है। आओ राजवीर शेर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे तुष्ट कांचा बाघ, मुझे पता है इस सब के पीछे तेरा ही किया धरा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी इतने में बघीरा भी वहां आता है। बघीरा को कांचा के साथ खड़ा देखकर राजवीर शेर हैरान हो जाता है। कांचा जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन ये क्या, कांचा अपने सैनिकों के साथ मिलकर बघीरा और उसके पिता राजवीर को कैद कर लेता है। अरे कांचा, ये क्या, तुमने मुझे क्यों कैद कर लिया? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो तुम्हारा साथ दिया था। अरे मूर्ख बघीरा, तुम्हें क्या लगा मैं अपने होते हुए तुम्हें इस जंगल का राजा बनवाऊंगा? कभी नहीं, मैं तो तुम सबको मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। और जब तू अपने पिता का सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ये सब तो मेरा एक प्लान था। उधर जंगल में एक रंगीन शेर उतरता है और भोला की लाश पर अपनी शक्तियां छोड़कर उसे वापस जीवित कर देता है। रंगीन शेर भोला को अपनी शक्तियां देता है, इससे भोला बहुत ताकतवर हो जाता है। तब भोला अपने पिता राजवीर और बघीरा को आजाद कर देता है। यह देखकर कांचा बाघ बहुत गुस्से में आता है और अपनी सैनिकों के साथ भोला पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन भोला अपनी शक्तियों से कांचा बाघ और उसकी सेना पर हमला करता है और उन सभी को अपनी शक्तियों से चलाकर भस्म कर देता है। बघीरा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और अपने पिता राजवीर और भाई भोला से क्षमा मांगता है। राजवीर बघीरा को माफ कर देता है और अपने बेटे भोला को उसके बहादुरी के लिए जंगल का राजा बना देता है। और फिर बघीरा भी अपने भाई भोला के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में फिरबा नाम का एक शेर अपनी तीन बेटियों के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वीरबान शेर की पत्नी अपनी बेटियों को जन्म देते ही चल बसी थी। तब से वीरबान शेर ही अकेला अपनी बेटियों को पाल रहा था। वीरबान शेर गरीब अवश्य था, लेकिन वह बहुत ही दयालु और मेहनती था। वह हमेशा जंगल के जानवरों के दुख सुख में उनका साथ देता था और उनकी हमेशा मदद करता था। एक दिन वीरबान शेर की तीनों बेटियां बहुत भूखी होती हैं। तभी वीरबान शेर की एक बेटी कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ पिताजी, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दो। फिरबान कहता है, मेरी बेटियों, इस समय तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं जाकर जंगल से कुछ खाने को ले आता हूँ। ऐसा कहकर वीरबान शेर अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढने निकलता है। उधर जंगल में आसमान से एक विशाल गोल्डन शेर धरती लोक पर उतरता है। गोल्डन शेर वहां आकर अपनी शक्ति से दो जादुई पेड़ प्रकट करता है। गोल्डन शेर उन दोनों पेड़ों से कहता है, सुनो मेरे जादुई पेड़, इस जंगल में तुम्हारी शरण में जो भी करीब आएगा, तुम उसकी फल पैसे और हीरे देकर उसकी मदद करोगे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर गोल्डन शेर वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीरबान शेर अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपने सामने वह दोनों जादुई पेड़ दिखाई देते हैं। वीरबान शेर उन पेड़ों के पास आता है। वीरबान के वहां आते ही उन जादुई पेड़ों में से आवाज आती है,
आओ वीरबान शेर आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। वीरबान शेर, हम दोनों जादुई पेड़ हैं, हम धरती लोक के सभी जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इतना कहते ही एक पेड़ पर हीरे और पैसे लग जाते हैं और वहीं दूसरे पेड़ पर फल लग जाते हैं। वीरबान शेर, तुम्हारे सामने एक पेड़ पर हीरे और पैसे लगे हैं और दूसरे पेड़ पर फल लगे हैं। तुम जो चाहो और जितना चाहो अपनी इच्छा अनुसार इन पेड़ों से तोड़कर ले जा सकते हो। तभी वीरबान शेर बोलता है, हे जादुई पेड़, मुझे पैसे और हीरे नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मैं तो अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढ रहा था, मुझे तो इस समय केवल अपनी बेटियों की भूख शांत करने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। वीरबान शेर की ईमानदारी देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश हो जाते हैं। वीरबान शेर, हम तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए, तुम एक नेक दिल और ईमानदार शेर हो। अगर तुम इस पेड़ से हीरे और पैसे तोड़ लेते तो तुम इसी वक्त एक पत्थर के बन जाते। वीरबान शेर, अब तुम जितना चाहो इस पेड़ से फल तोड़कर ले जा सकते हो। तब वीरबान शेर अपनी आवश्यकता अनुसार पेड़ से फल तोड़ लेता है और अपनी बेटियों को लाकर खिलाता है। तभी उसी जंगल में रहने वाला एक लालची बंटी बाघ वीरबान शेर को अपनी बेटियों को फल खिलाते हुए देख लेता है। बंटी बाघ अपने साथ कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबसे कहता है, अरे सुनो भाइयों, मुझे लगता है वीरबान शेर कहीं से ढेर सारे फल चुरा कर लाया है। मैंने अभी अभी वीरबान शेर को ढेर सारे फल अपनी बेटियों को खिलाते हुए देखा है। कल तक तो इस भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं था और आज ये अपनी बेटियों के साथ ताजा फल की दावत कर रहा है। चलो भाइयों, इस वीरबान शेर को इसकी चोरी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर बंटी बाघ अपने साथ कुछ जानवरों को लेकर वीरबान शेर के पास पहुंचता है और कहता है, अरे वीरबान शेर, हमें सब पता चल चुका है, तूने इन फलों की चोरी की है। सच सच बता, तू इतने सारे फल कहां से चुरा कर लाया है? हम सब यहां तुझे इस चोरी की सजा देने आए हैं। उन सभी जानवरों की बातें सुनकर वीरबान शेर डर जाता है और कहता है, अरे भाइयों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो केवल अपनी बेटियों को खाना खिला रहा हूँ, भला इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? तभी बंटी बाघ कहता है, अरे भिखारी शेर, कल तक तो तेरे पास खाने को कुछ नहीं था और आज अचानक तेरे पास इतने सारे फल कहाँ से आ गए? बता, तूने ये सारे फल कहाँ से चुराए हैं, वरना हम सब मिलकर तुझे यहीं मार देंगे। तब वीरवान शेर डरते हुए कहता है, बंटी बाघ, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये ताजा फल तो मुझे एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। तभी बंटी कहता है, वीरबान शेर, तुम झूठ कह रहे हो, अगर ऐसी बात है तो दिखाओ हमें वे जादुई पेड़ कहाँ हैं। तब वीरबान शेर बंटी बाघ और उन जानवरों को लेकर उन जादुई पेड़ों के पास पहुंचता है। बंटी बाघ, यही वे जादुई पेड़ हैं जिन्होंने मुझे ताजा फल दिए हैं। ऐसा कहकर वीरबान शेर उन जादुई पेड़ों से प्रार्थना करता है और कहता है, ये जादुई पेड़, जंगल के जानवर मुझे चोर समझ रहे हैं और मुझे और मेरी बेटियों को मारने की बातें कर रहे हैं, कृपया इन्हें बताइए कि मैंने कोई चोरी नहीं की। वीरबान के इतना कहते ही उन जादुई पेड़ों पर फल पैसे और हीरे लग जाते हैं। जादुई पेड़ पर लगे पैसे और हीरे को देखकर बंटी बाघ और उसके साथियों की आंखें चमक उठती हैं। बंटी बाघ और उसके सभी साथी लालच में आकर उन जादुई पेड़ों से पैसे तोड़ने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। ऐसा करते ही वे सभी लालची जानवर उसी समय पत्थर के बन जाते हैं। तभी इतने में गोल्डन शेर वहाँ पहुँचता है। मैंने तो ये जादुई पेड़ धरती लोक पर इसलिए लगाए थे ताकि गरीबों की भलाई हो सके, लेकिन मुझे क्या पता था कि धरती लोक पर तो लालच भरा पड़ा है। मुझे इन जादुई पेड़ों को अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर गोल्डन शेर उन जादुई पेड़ों को अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में लौट जाता है और वीरबान शेर को उसकी ईमानदारी के बदले में ढेर सारे फल खाने को देता है। वीरबान शेर अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी फिर से उस जंगल में रहने लगता है।